हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एडिडोस। तो फ्रेंड्स, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हो तो जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ मैं आपके लिए लाता हूँ एजुकेशनल वीडियोस के अपडेट सबसे पहले। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जिसके अंदर मैं आपको बताऊँगा जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं, जो आपको फैक्ट्स हैं इंडिया के बारे में, जो पता होने चाहिए किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट करें आज की वीडियो के टॉपिक को शुरू करते हैं। और प्लीज़ फ्रेंड्स, एक लाइक ज़रूर करके जाइए, क्योंकि इससे मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो सबसे पहले मैं अपने पहले क्वेश्चन से शुरू करता हूँ। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है कि भारत में सबसे ऊंचाई पर स्थित हवाई अड्डा कौन सा है, मींस जो सबसे ऊंचा हवाई अड्डा है वो कहाँ पर स्थित है। तो इसका आंसर आएगा लेह लद्दाख। और अगर आप याद करना चाहें तो 3256 मीटर की ऊंचाई पर यह स्थित है, कहाँ पर, लेह लद्दाख के ऊपर। उसके बाद फ्रेंड्स बात आती है कि भारत का व्यस्ततम हवाई अड्डा, मतलब जो सबसे ज़्यादा बिजी रहता है हवाई अड्डा, इसका याद करने का फ्रेंड्स बिल्कुल आसान तरीका है। दिल्ली हमारे यहाँ की कैपिटल है, और दिल्ली में एक ऐसा इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जो सबसे ज़्यादा बिजी रहता है। फ्रेंड्स, इसके साथ साथ मुझे एक और बात याद आई, मैं आपको वो बताना चाहता हूँ। ये एयरवेज के हिसाब से तो दिल्ली का इंदिरा गांधी एयरवेज सबसे मीन्स सबसे बिजी रहता है, पर अगर रेलवेज की बात आए तो आपको याद रखना है फ्रेंड्स कि मुंबई की रेलवेज सबसे ज़्यादा बिजी होती है। ये भी कभी कभार पूछ लिया जाता है एग्जाम के अंदर। तो उसके बाद बात आती है कि भारत का सबसे बड़ा मंडप कौन सा है। मंडप मीन्स जहाँ पे मैरिजेस वगैरह कंडक्ट की जाती हैं, या जहाँ पे कोई भी फंक्शन आयोजित किया जाता है, तो वो सबसे बड़ा मंडप कौन सा है। तो इसका आंसर है श्री षणमुखानंद हॉल, जो कि मुंबई में प्रेजेंट है। यस फ्रेंड्स, ये मुंबई का सबसे बड़ा हॉल है, यहाँ पे बड़ी बड़ी मैरिजेस, बड़े बड़े फंक्शंस वगैरह ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। सबसे बड़ा सार्वजनिक बैंक, जिसकी विदेशों में अधिकतम शाखाएं हैं। तो सबसे पहले आपको इसका सार्वजनिक बैंक का मतलब पता होना चाहिए। सार्वजनिक बैंक का मतलब होता है गवर्नमेंट के अंदर बैंक, जो कि डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के अंदर आता है, और जिसकी विदेशों में सबसे ज़्यादा मीन्स जिसकी बहुत सारी ब्रांचेस आउट ऑफ इंडिया लोकेटेड हैं। तो ऐसा सिर्फ एक ही बैंक है जो बहुत ज़्यादा डेवलप है और सार्वजनिक के अंदर है, जो कि है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो फ्रेंड्स, इसके साथ साथ मुझे एक और चीज़ याद आई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। आपको ये बात पता होनी चाहिए कि इसे पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कहते थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, अगर आप नोट करना चाहें तो नोट भी कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अधिकतर पूछा जाता है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पुराना नाम बताइए, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पुराना नाम है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। उसके बाद फ्रेंड्स, अब चलते हैं हम अगली वीडियो पे, अगले क्वेश्चन पे, सॉरी। तो उसके बाद है सबसे बड़ा बैराज कौन सा है, सबसे बड़ा बैराज कौन सा है। सबसे बड़ा बैराज है फरक्का बैराज, जो कि गंगा नदी के ऊपर बना हुआ है। इसकी डिस्टेंस या दूरी लर्न करने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि इंडिया में सबसे बड़ा फरक्का बैराज है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। उसके बाद है अधिकतम ऊंचाई पर स्थित रण क्षेत्र कौन सा है, मीन्स जहाँ पर मीन्स आर्मी फाइट वगैरह कर सकती है, उसके लिए सबसे ऊंचाई पर स्थित रण क्षेत्र कौन सा है। तो फ्रेंड्स, दैट इज़ नन अदर बल्कि सियाचिन क्षेत्र है। और हम अधिकतर सुनते हैं भाई पाकिस्तान और इंडिया के बीच में सियाचिन में लड़ाई हुई, तो ये उसी क्षेत्र की बात है। ये सबसे ऊंचाई पर स्थित ऐसी जगह है जहाँ पे इंडियन सोल्जियर्स किसी भी दूसरी कंट्री के सोल्जियर्स, मेनली पाकिस्तान सोल्जियर्स के साथ फाइट कर सकते हैं, और ये सबसे ऊंचा ही रण क्षेत्र है जहाँ पे फाइट हो सकती है इंडिया के अंदर। तो अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सबसे लंबा समुद्र तट कौन सा है, सबसे लंबा समुद्र तट। फ्रेंड्स, आई होप इसका आंसर आपको पता होगा, ये है हमारा मरीना बीच तमिलनाडु या चेन्नई में। आप जब इंडिया का मैप देखते हैं वहाँ पे आपको दिखता होगा कि भाई जो साइड में तमिलनाडु का सबसे ज़्यादा एरिया ऐसा है जो एक्सपोज्ड हुआ हुआ है वहाँ पे, जिसे मालाबार कोस्ट के नाम से भी जाना जाता है, उसके अंदर जो मरीना बीच है वो सबसे लंबा समुद्र तट है। इसके साथ फ्रेंड्स मुझे एक और क्वेश्चन याद आ रहा है कि सबसे ज़्यादा समुद्र तट से जुड़ा हुआ राज्य कौन सा है, मीन्स जिसकी बाउंड्री सबसे ज़्यादा समुद्र तट से मिलती है। इसका आंसर कुछ भी आप सोचें, पर इसका आंसर गुजरात है फ्रेंड्स। यस, गुजरात है। आप इस फैक्ट को चेक भी कर सकते हैं, हालांकि लगता नहीं है, पर जो साइड में से कुछ इस शेप में गुजरात बना होता है, वो सारा एरिया यहाँ पे अरेबियन सी को टच करता है। इस वजह से गुजरात ऐसा जो सबसे ज़्यादा स्टेट है जिसके अंदर सबसे ज़्यादा समुद्र तट से वो उसका सीमा लगती है। तो चलिए अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। वह है सबसे बड़ा वानस्पतिक उद्यान कौन सा है। ये तो फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत आसान क्वेश्चन है। बोटोनिकल गार्डन, जो कि
कोलकाता में प्रेजेंट है। ये बहुत अच्छा गार्डन है, विजिट करने योग्य प्लेस है ये और बहुत अच्छी प्लेस है। और ये साथ साथ सबसे बड़ा वानस्पतिक उद्यान भी है, राष्ट्रीय बोटानिकल गार्डन। तो उसके बाद चलते हैं, सबसे लंबा नदी का पुल कौन सा है, सबसे लंबा नदी का पुल कौन सा है? भूपेन हजारिका लोहित नदी पर बना है। फ्रेंड्स, इसके बारे में मैं आपको बता दूँ कि ये अभी हाल ही में चेंज हुआ है। हाल ही में सबसे लंबा नदी पुल होता था महात्मा गांधी सेतु पर, जो कि गंगा नदी के ऊपर बना था, पर अभी हाल ही में चेंज होकर ये हो गया है भूपेन हजारिका लोहित नदी पर, जो कि अब बना जाता है। तो चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। और फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हाल ही में चेंज हुआ है। उसके बाद आती है, सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित सड़क पुल कौन सा है? सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित, जैसे कि आप जानते हैं अधिकतर ऊंचाइयों की जगहें लेह लद्दाख में है, और ये है लद्दाख में खार डुंगला, जो कि सबसे ऊंचाई पर स्थित सड़क पुल है, जहां पर सड़क चलती है आज भी, मीन्स आज भी गाड़ियां वहां चल सकती है। ऐसे तो बहुत सारी रोड हैं, पर जो सबसे अच्छी कंडीशन में है, जिस पर आज भी गाड़ियां चलती हैं, वो है लद्दाख में खार डुंगला। तो चलिए फ्रेंड्स, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अधिकतम व्यस्त पुल कौन सा है? ये तो फ्रेंड्स आपको पता ही होगा, कोलकाता का हावड़ा ब्रिज, जो कि सबसे बिजी पुल है। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए, सबसे लंबा अधिक चौड़ा पुल कौन सा है? ये भी फ्रेंड्स आई होप आपको पता होगा कि ये है दिल्ली में यमुना नदी के ऊपर जो 552.2 मीटर चौड़ा पुल है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये बहुत अच्छा पुल है और सबसे ज़्यादा मीन्स दिल्ली में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है जब भी दिल्ली में कहीं आना जाना हो, क्योंकि ये मेन स्ट्रीम पे पड़ता है दिल्ली की, तो ये आपको याद होना चाहिए। उसके बाद आता है, सबसे लंबा समुद्र पुल कौन सा है? समुद्र पुल है अंतर्राष्ट्रीय इंदिरा गांधी पुल, जो कि तमिलनाडु से लेके रामेश्वरम टापू तथा मंडपम के बीच में है। यहाँ पे आपको एक बात बता दूँ जिससे आपको ये याद भी रहेगा, रामेश्वरम टापू पे रामनाथ महाराज है, जहाँ पर उनका एक मंदिर है, बहुत बड़ा मंदिर है, और उस मंदिर में बहुत सारे खंभे हैं जिसे पिलर्स के नाम से जानते हैं उन्हें, और इसे जब हम उधर साइड उसके लोग उसे गलियारा बोलते हैं। गलियारा मीन्स कॉरिडोर फ्रेंड्स, कॉरिडोर के अंदर बहुत लंबा कॉरिडोर है, और जो ये मैंने आपको खंभे बताए इनकी हजारों की संख्याओं में खंभे हैं, इसीलिए यहाँ ये मंदिर बहुत ज़्यादा फेमस है। और सबसे बड़ा मंदिर गलियारा भी यही है, रामनाथ मंदिर का गलियारा। तो चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं, सबसे बड़ी आवासीय इमारत कौन सी है जहाँ पर सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं? साफ सी बात है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सबसे बड़ी इमारत है राष्ट्रपति भवन यानी पार्लियामेंट। सबसे बड़ी गुफा कौन सी है? तो फ्रेंड्स, पहले ये थी अमरनाथ की गुफा, पर फ्रेंड्स अब इसकी चेंज हो गई है और इसका आंसर है ले प्रयाग। तो फ्रेंड्स, अभी इन दोनों में कन्फ्लिक्ट चल रहा है कि अमरनाथ की गुफा है या ले प्रयाग की गुफा है, पर अभी मेरे को जहाँ तक अप्रोप्रिएट लगा अमरनाथ की गुफा, इसीलिए मैं आपके लिए अमरनाथ की गुफा का ये क्वेश्चन लेके आया हूँ। उसके बाद चलते हैं अगले उस पर। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था सबसे लंबा मंदिर गलियारा कौन सा था, तो अब आपको पता लग ही गया होगा सबसे लंबा मंदिर गलियारा है रामनाथ मंदिर का गलियारा, जो कि तमिलनाडु में है, और इसे हज़ार खंभों का गलियारा भी कहते हैं, जैसे कि मैंने अभी अभी आपको बताया है। तो चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि दो टाइप के बांध है, सबसे ऊंचा बांध और सबसे लंबा बांध। तो सबसे ऊंचा जो बांध है वो है टिहरी बांध। इसको आप लर्न करने के लिए ये ट्रिक का यूज कर सकते हैं, ऊंचा मींस टोल, टोल से टिहरी, टी से टोल और टी से ही टिहरी, तो आप इसको ऐसे लर्न कर सकते हैं भाई, ऊंचा और टिहरी बांध भागीरथी नदी रेती के ऊपर जो बना है उत्तराखंड में। तो चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं, यहाँ पे आया सबसे लंबा बांध, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, सबसे लंबा बांध है हीराकुड बांध। तो ये सबसे लंबा है जो कि उड़ीसा में महानदी के ऊपर बना हुआ है। तो चलिए अब चलते हैं हम अपने अगले वीडियो पे, अगले क्वेश्चन पे सॉरी। तो सबसे बड़ा आता है, सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो ये फ्रेंड्स बहुत ही पुराने समय से चलता आ रहा है सुंदरबन डेल्टा, और यही सबसे बड़ा डेल्टा है जो कि हमारा पश्चिम बंगाल में प्रेजेंट है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित पोलिंग बूथ कौन सा है? यस फ्रेंड, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और जैसे कि आप जानते हैं 2019 में जब लोकसभा के इलेक्शन हुए थे, तो इस एरिया से सबसे कम वोट डाली गई थी, क्योंकि इस एरिया में वोटिंग करने को नहीं माना जाता, अच्छा नहीं माना जाता, और जो लोग वोटिंग करने जाते हैं उन पर अलग अलग आतंकी हमले वगैरह होते हैं। तो ये याद रखना, फासिन ग्राम लद्दाख ये सबसे ऊंचाई पर है, जम्मू कश्मीर में है, और यहाँ पर वोटिंग करने लोगों को नहीं दिया जाता। तो चलिए अगली उस पर
सकते हैं। सबसे बड़ा प्रदर्शनी स्थल कौन सा है फ्रेंड्स, ये तो आई होप आपको पता ही होगा, दिल्ली में है ये प्रदर्शनी स्थल प्रगति मैदान। प्रगति मैदान में अधिकतर बुक फेयर्स लगते हैं, अधिकतर जैसे मेले लगते हैं, कैन मेले लगते हैं, ये सारे प्रगति मैदान में लगते हैं दिल्ली में, क्योंकि ये सबसे बड़ा प्रदर्शनी स्थल है। सबसे बड़ी फलों की मंडी कौन सी है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा फल पाए जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में यहाँ पे शॉप्स है, इसे है आज़ादपुर सब्जी मंडी दिल्ली के अंदर, ये बात भी फ्रेंड्स आपको याद रखनी है। उसके बाद है सबसे ऊंचा दरवाज़ा कौन सा है, सबसे ऊंचा दरवाज़ा है फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा, जो कि अकबर, जो मुग़ल एम्परर अकबर थे उनके द्वारा ये बनवाया गया था आगरा के अंदर, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये भी। उसके बाद चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है, यह है सियाचिन ग्लेशियर। फ्रेंड्स आपको पता ही होगा सियाचिन ग्लेशियर जो कि भारत और पाकिस्तान की सीमा पर है, और इसी ग्लेशियर के पास जो गोमती ग्लेशियर है वहाँ से गंगा का ओरिजिन होता है, तो इतनी बात आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद चलते हैं सबसे बड़ा गुरुद्वारा कौन सा है, सबसे बड़ा गुरुद्वारा है हरमंदिर साहिब गुरुद्वारा अमृतसर में गोल्डन टेंपल, तो इसे स्वर्ण मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। और इसके साथ साथ फ्रेंड्स मैंने थोड़ी एडिशनल इन्फॉर्मेशन ऐड ये की है कि भारत के चौथे गुरु रामदास द्वारा आरंभ किया गया था और पाँचवें गुरु अर्जुन देव द्वारा इसे पूर्ण किया गया था, मीन्स इसे समाप्त इनके द्वारा किया गया था, बल्कि चौथे गुरु रामदास द्वारा इनको आरंभ किया गया था गुरुद्वारे की बनाने को। तो चलिए फ्रेंड्स अब चलते हैं आगे क्वेश्चन में, सबसे बड़ा हॉस्पिटल कौन सा है इंडिया के अंदर, सबसे बड़ा हॉस्पिटल है बीजे मेडिकल हॉस्पिटल जो कि अहमदाबाद में है, और ये बहुत ही पुराना हॉस्पिटल है, बहुत अच्छा हॉस्पिटल है और इंडिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, तो ये आपको बताना चाहिए बीजे मेडिकल हॉस्पिटल अहमदाबाद। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, सबसे बड़ा कार्डियक हॉस्पिटल, फ्रेंड्स इस बात को आपको ध्यान रखना चाहिए कार्डियक हॉस्पिटल और हॉस्पिटल में क्या डिफरेंस है, हॉस्पिटल तो हो गया जनरल जो हॉस्पिटल है, जबकि कार्डियक हॉस्पिटल हो गया स्पेशली हार्ट के लिए, जो हमारा दिल होता है उसके लिए स्पेशली जो हॉस्पिटल है वो कौन सा है, एक्सकोट हर्ट इंस्टीट्यूट, ये दिल्ली के अंदर प्रेजेंट है, और यहाँ पर जितने भी बड़े बड़े मीन्स पॉलिटिशियंस या बड़े बड़े नेता वगैरह या एक्टर्स वगैरह वो सारे यहीं से, अगर उनको हार्ट की कोई डिसीज है तो यहीं से इलाज कराते हैं, और काफ़ी चर्चित ये हर्ट इंस्टीट्यूट रहता है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए। सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित पावर स्टेशन कौन सा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका आंसर आएगा रोंगटोंग पावर स्टेशन, और इसे रोंगटोंग हाइडल प्रोजेक्ट के नाम से भी जाना जाता है, जो कि हिमाचल प्रदेश में एक जगह है किन्नौर, वहाँ पर ये प्रेजेंट है, तो ये आपको पता होना चाहिए, अधिकतर पूछ लिया जाता है। सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो आप इसे कह सकते हैं ये फ्रेश वाटर लेक की बात की गई है यहाँ पे, तो फ्रेश वाटर लेक है वुलर लेक जो कि कश्मीर में प्रेजेंट है, ये फ्रेंड्स कश्मीर में प्रेजेंट है, सबसे बड़ी लेक है इंडिया की। उसके बाद आते हैं सबसे ऊंचा मीनार कौन सा है, आप सभी जानते होंगे दिल्ली में कुतुब मीनार ही सबसे ऊंचा मीनार है। सबसे ऊंचाई पर स्थित मठ कौन सा है, आज जैसे कि आप जानते हैं अलग अलग मठ स्थापित है इंडिया में, तो सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर स्थित मठ कौन सा है, त्वांग, जिसे हम त्वांग, सॉरी फ्रेंड्स इसका आंसर है की मठ जो कि हिमाचल प्रदेश में प्रेजेंट है, वो है सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर स्थित मठ। तो अब चलते हैं आगे, सबसे बड़ा मठ कौन सा है, जो मैं त्वांग आपको बता रहा था फ्रेंड्स, वो सबसे बड़ा मठ है जो कि अरुणाचल प्रदेश में प्रेजेंट है, जो कि और जो मैं आपको बता रहा था सबसे ऊंचाई पर स्थित मठ वो है की मठ है, जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है, वो जहाँ पर स्थापित है, और त्वांग अरुणाचल प्रदेश में सबसे बड़ा। सबसे बड़ी मस्जिद आप सबको पता होगा जामा मस्जिद, जो कि दिल्ली के अंदर प्रेजेंट है। सबसे अधिक आयु में राष्ट्रपति बने, यस फ्रेंड्स ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और कंबाइंड सर्विसेज के जो सिविल सर्विसेज इसका एग्जाम होता है उसमें तो बहुत ही ज्यादा है कि सबसे अधिक आयु में राष्ट्रपति बने व्यक्ति का नाम बताएं, K.R. नारायण सबसे अधिक आयु में ये राष्ट्रपति बने थे, 76 वर्ष 8 माह और 28 दिन की आयु में इन्हें राष्ट्रपति घोषित किया गया था। उसके बाद चलते हैं सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति कौन थे, सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति आपको पता होगा N. संजीव रेड्डी जो कि सिर्फ 64 वर्ष की आयु में राष्ट्रपति बने थे। यस फ्रेंड्स 64 वर्ष वैसे तो ज्यादा है, पर इनके लिए राष्ट्रपति की उम्र के हिसाब से आज तक जितने राष्ट्रपति बने हैं उनमें सबसे ज़्यादा कम उम्र में ये बने थे, इसीलिए इन्हें कम उम्र में बने राष्ट्रपति कर देते हैं। सबसे बड़ा गुंबद कौन सा है, जैसे कि आप जानते होंगे गोल गुंबद जो कि बीजापुर में एस्टेब्लिश है, और आपको फ्रेंड्स इसके साथ साथ मैं एक और बताना चाहता हूँ, बीजापुर जो शहर है उनकी स्थापना किसने की थी, उसकी स्थापना की थी राव बीजा, जो कि एक एम्परर थे वहाँ के, राव बीजा उन्होंने यहाँ की स्थापना की थी, ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। तो चलिए चलते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर,
सबसे ऊंचा झरना कौन सा है? लेक और झरने में आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। सबसे ऊंचा झरना जो है वो है घर सोपा, कर्नाटक में प्रेजेंट है, 690 फीट की ऊंचाई पर ये है। तो चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा है? ये सब आपको पता होगा, सोनपुर पशु मेला जो कि बिहार में लगता है, बहुत ही ज़्यादा फेमस है ये। सोनपुर पशु मेला है सबसे बड़ा पशु मेला। सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन कौन सा है? घूम स्टेशन फ्रेंड्स, जो कि दार्जिलिंग के पास प्रेजेंट है, और ये बहुत मतलब सबसे ऊंचाई पर स्थित जो रेलवे स्टेशन है इंडिया का वो यही है, घूम स्टेशन। उसके बाद आते हैं बोर्डग्रेज लाइन पर सबसे ऊंचाई पर स्थित रेलवे स्टेशन सिमुलगुड़ा कहाँ स्थित है? ये हिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट है, सिमुलगुड़ा स्टेशन जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये बोर्डग्रेज लाइन पर बना है। आपको ये पता होना चाहिए, ये सब आपकी जो फैक्ट्स वगैरह हैं आपको ज़रूर पता होना चाहिए क्योंकि अधिकतर उसमें क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं। पुराने रेलवे स्टेशन कौन से हैं इंडिया में? सबसे पुराने पुराने रेलवे स्टेशन कौन कौन से हैं? तो पुराने रेलवे स्टेशन हैं बोरीबंदर, बाइकुला, सियोन और ठाणे। ये सारे स्टेशन हैं जो 1853 में आरंभ हुए थे, पहली रेलवे लाइन इन्हीं के बीच में एस्टेब्लिश हुई थी। मैं दोबारा बोलता हूँ, बोरीबंदर, बाइकुला, सियोन और ठाणे स्टेशन। उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। सबसे लंबे शेड वाला प्लेटफॉर्म कौन सा है? सबसे लंबा शेड वाला प्लेटफॉर्म है सियालदह स्टेशन का प्लेटफॉर्म, जो कि 550 फुट शेड से ढका है। यस फ्रेंड्स, आप एस्टिमेट कर सकते हैं हाउ लॉन्ग इट इज़ 550 फुट जो कि शेड से ढका हुआ है। उसके बाद चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज, ये तो अधिकतर जनों को पता होगा, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 1875 में जो कि एस्टेब्लिश हुआ था। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स का प्रथम कारखाना भोपाल में, ये 1956 आपको याद करने की जरूरत नहीं, पर आपको ये पता होना चाहिए इलेक्ट्रिक्स का प्रथम कारखाना कहाँ पे स्थित हुआ था, भोपाल में, और वो भी हैवी इलेक्ट्रिकल्स का, जहाँ पे हैवी इलेक्ट्रिकल सामान बनते थे। भारत बीघा निगम कब शुरू हुआ, इसके लिए तो मैं आपको एक हिंट भी दे सकता हूँ, ये मेरे बर्थडे वाले दिन 1 सितंबर 1956 को, हालांकि उस टाइम पर मैं प्रेजेंट नहीं था, फिर भी मेरे बर्थडे वाले दिन 1956 को ये आरंभ हुआ था। हीरो साइकिल्स का कारखाना कब शुरू हुआ? हीरो साइकिल का कारखाना 1956 में लुधियाना में शुरू हुआ था फ्रेंड्स, ये सब आपको पता होना चाहिए। ये सबसे पहला साइकिल कारखाना था जब इंडिया में एस्टेब्लिश हुआ था। उसके बाद चलिए फ्रेंड्स अब चलते हैं हम आगे क्वेश्चन में। भारत की प्रथम लोहा व स्टील कंपनी कौन सी है? प्रथम लोहा स्टील कंपनी है बंगाल आयरन वर्क्स, जो कि कुल्टी बंगाल में है फ्रेंड्स। ये फर्स्ट आयरन एंड स्टील कंपनी थी, हालांकि उसके बाद कई आयरन एंड स्टील कंपनियां आई है जैसे टाटा, टिस्को एसेट्रा, पर जो सबसे पुरानी थी वो यही थी, बंगाल आयरन वर्क्स कुल्टी बंगाल में, जो कि प्रेजेंट थी। सार्वजनिक क्षेत्र में बनने वाली प्रथम लोहा फैक्ट्री भिलाई स्टील प्लांट और राउरकेला स्टील प्लांट में अधिकतर ये कन्फ्लिक्ट रहता है कि कौन सी है, पर जहाँ तक फैक्ट्स हैं, जहाँ तक रिकॉर्ड है, उस हिसाब से राउरकेला स्टील प्लांट उड़ीसा में प्रेजेंट है 1953 में जो कि शुरू हुआ था। ये सबसे पुरानी लोहा फैक्ट्री है। उसके बाद चलते हैं सार्वजनिक क्षेत्र में बनने वाली प्रथम ऊर्जा कंपनी कौन सी है, जहाँ से एनर्जी ली जाती है, वो है टाटा पावर एंड पावर कंपनी लिमिटेड, जो कि मैंने अभी आपको बताया भी था पीछे की भी टाटा जो कंपनी थी वो बहुत अच्छी पावर सप्लाई के लिए अपनी फेमस थी और बहुत ज़्यादा फेमस भी हुई थी। उसके बाद चलते हैं सार्वजनिक क्षेत्र में प्रथम तेल शोधक कारखाना गुवाहाटी, जो कि असम में पाया जाता है, गुवाहाटी तेल शोधक कारखाना है, ये रोमानिया जो देश है उसके सहयोग से इंडिया में एस्टेब्लिश हुआ था। हालांकि इंडिया को इसके लिए बहुत ज़्यादा डेट पे करना पड़ा था, फिर भी रोमानिया ने हमारी इंडिया की हेल्प करी थी इसको प्रथम तेल शोधक कारखाने को स्थापित करने के लिए। इसके साथ साथ फ्रेंड्स मुझे एक और क्वेश्चन याद आ रहा है कि सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना इंडिया में कहाँ पे है, तो ये आपको बताना चाहिए मुंबई हाई, जो सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना है मुंबई महाराष्ट्र में प्रेजेंट है। उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। सबसे पुराना ताप बिजली घर कौन सा है? सबसे पुराना ताप बिजली घर है दुर्गापुर DPL। ये भी फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अधिकतर एग्जाम में पूछा जाता है ये कि दुर्गापुर DPL सबसे ज़्यादा पुराना ताप बिजली घर है। सबसे ज़्यादा हाइडल प्लांट कौन सा है? जैसे कि आजकल हाइडल प्लांट बहुत ज़्यादा डेवलप हो रहे हैं, तो सबसे पुराना था सिद्रापोंग, जो कि दार्जिलिंग और पश्चिम बंगाल में खुला था, और दूसरे इसके साथ सिद्रापोंग के साथ शिव समुद्रम जो कि कर्नाटक में था। तो ये आपको पता होना चाहिए फ्रेंड्स, बहुत अच्छा और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत की प्रथम कार फैक्ट्री कौन सी थी? हिंद मोटर्स। जैसा कि आप जानते हैं, अगर आप हिस्ट्री के रिकॉर्ड्स चेक करें, हिंद मोटर्स के लिए बहुत अच्छी अच्छी स्टोरीज आती हैं, बहुत अच्छी अच्छी इसकी डिस्कवरीज थी और बहुत फेमस ये कार फैक्ट्री हुई थी।
उसके बाद आती है भारत की प्रथम टायर कंपनी कौन सी है, डनलप रबड़ कंपनी जो आज तक चलती आ रही है और बहुत अच्छी इसकी रबड़ क्वालिटी है, बहुत अच्छे टायर्स वगैरह के लिए बहुत फेमस है और आज तक इसकी कंपनी चलती आ रही है। भारत की प्रथम भूमिगत बाजार कौन सा है, ये भी आपको पालिका बाजार है जो कि दिल्ली में मिल जाता है, कॉनॉट प्लेस जो कि दिल्ली में सबसे ज़्यादा बड़ी और सबसे ज़्यादा लार्ज एरिया कवर करने वाली जगह है, वहाँ पे पालिका बाजार आपको मिल जाएगा जो कि सबसे पहला भूमिगत बाजार है। सब भारत में बाटा शू कंपनी, बाटा शू कंपनी का नाम तो आपने सुना ही होगा जो कि आज तक चलती है बाटा शू कंपनी, वो आप सोचकर हैरान हो जाएंगे कि 1894 ईस्वी में बाटा कंपनी शुरू हुई थी। उसके बाद चलते हैं भारत में मलेरिया उन्मूलन की शुरुआत कब हुई थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है और जो पर्सन्स उस टाइम पे सर्वाइव किए होंगे उन्हें ये बात अवश्य पता होगी भाई 1896 में सभी डाकघरों में एक पैसे के लिए कुनेन की पुड़िया, कुनेन एक तरह से एंटीबायोटिक था उस टाइम मलेरिया के लिए, 1896 में हर एक जो पोस्ट ऑफिस है उसके अंदर एक पैसे के उसमें रेट पे बिकती थी कुनेन की पुड़िया। तो चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में, भारत में क्षय रोगी अभियान कब शुरू हुआ, भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1951 में BCG टीकाकरण शुरू हुआ था, जो ये क्षय रोग रोधी अभियान शुरू हुआ था उसके अंडर हुआ था BCG टीकाकरण शुरू 1951 में। तो चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं, भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम कब आरंभ हुआ, 1952 बंबई में परिवार नियोजन कार्यक्रम आरंभ हुआ था। भारत में कौन सा प्रतिजैविक प्रथम बार प्रयोग हुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रतिजैविक का मतलब यहाँ पे एंटीबायोटिक से है, तो सबसे पहला एंटीबायोटिक यूज़ हुआ था पेंसिलिन, जैसे कि अलग अलग एंटीबायोटिक्स होते हैं जैसे इंसुलिन शुगर के लिए पेंसिलिन, ऐसे एक एंटीबायोटिक है जो सबसे पहले इंडिया में शुरू हुआ था। रोटरी क्लब द्वारा पोलियो मुक्त अभियान कब शुरू हुआ, फ्रेंड्स ये आपको जनरल नॉलेज होनी चाहिए पर इतना नहीं पूछते। उसके बाद मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ, 1995 में एक बहुत अच्छी चीज़ हुई थी जिसकी वजह से आज आप मुझे देख पा रहे हो और मैं आपको देख पा रहा हूँ, नहीं मोबाइल नहीं इसका इंटरनेट से संबंध है। 15 अगस्त 1995 को भारत में प्रथम बार इंटरनेट की सुविधा आरंभ हुई थी। उसके बाद आते हैं भारत का सबसे ऊंचा केबल मार्ग कौन सा है, गुलमर्ग केबल मार्ग है जो कि जम्मू कश्मीर पे प्रेजेंट है, बहुत ही अच्छा और बहुत ही ज़्यादा अ प्लेस वर्थ विजिटिंग, यहाँ पे जाना बहुत अच्छा है और बहुत सुकून देता है क्योंकि बहुत अच्छी जगह है। सबसे ऊंचा रेलवे पुल कौन सा है, जम्मू कश्मीर में है 359 मीटर की ऊंचाई पर। विश्व में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित क्रिकेट का मैदान चैल हिमाचल प्रदेश में प्रेजेंट है। उसके बाद आता है देश में सबसे ऊंची वाहन चलाने योग्य सड़क, मैंने अभी आपको बताया था खार डूंगरा सड़क है जो कि लेह लद्दाख में प्रेजेंट है। उसके बाद आता है भारत में सबसे सर्वप्रथम कौन सी बीमारी का पूर्ण उन्मूलन हुआ, मैंने सबसे पहले कौन सी बीमारी अच्छे से क्योर हुई, सबसे पहले अच्छी तरह से चेचक की बीमारी सबसे पहले क्योर हुई। सबसे अधिक दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी का नाम बताओ, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि बहुत अच्छी रेलगाड़ी है विवेक एक्सप्रेस डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी, डिब्रूगढ़ हमारा प्रेजेंट है हिमाचल प्रदेश में और हिमाचल प्रदेश से लेकर कन्याकुमारी तक का ये डिस्टेंस ट्रैवल करती है, तो आप सोच सकते हैं कितना ज़्यादा डिस्टेंस ये ट्रैवल करती है। तो फ्रेंड्स ये थी आज की वीडियो जिसके अंदर मैंने आपको बताया 67 क्वेश्चंस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे ये बहुत महत्वपूर्ण तथ्य मीन्स इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं अबाउट इंडिया के बारे में। तो फ्रेंड्स मैं होप करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, यार बहुत मेहनत लगती है हर एक वीडियो को बनाने में, आप तक लेके आने में, उसको एडिट करने में, उसका थंबनेल बनाने में, उसको डालने में, तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिए और अपना प्यारा सा कमेंट मेरे लिए छोड़ के जाइए। अगर आपको कोई डाउट है या आपको कोई चीज़ अच्छी नहीं लगी तो मुझे कमेंट करके बताइए ताकि मैं फ्यूचर वीडियोज़ में उस चीज़ को साफ़ कर सकूँ और उस चीज़ को अच्छा बेहतर बना सकूँ। तो फ्रेंड्स ये था आज की वीडियो जिसके अंदर मैंने आपको कुछ महत्वपूर्ण तथ्य इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में बताया। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन को दबा देना ताकि जैसे ही मैं वीडियो लाऊं आप किसी भी वीडियो से छूटे ना। तो चलिए फ्रेंड्स थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड, थैंक यू वेरी मच।